पनामा केस जीआईटी मेंबरान के नामों का इंतखाब इदारों के लिए बड़ा इम्तिहान। नैब और एफआईए और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराह आज सर जोड़ेंगे। मौजूद उम्मीदवारों के लिए एफआईए को वज़ीर दाखला के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। एफआईए एसईसीपी स्टेट बैंक और आईबी के सरबराहों के अलग अलग मुशावरती इजलास आज दोबारा होंगे। बनीगाला में गैर कानूनी ताबीरात के खिलाफ केस की समाअत, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। खान साहब इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, इतना शोर नहीं मचता जितना पाकिस्तान में होता है। आपकी आवाज से बेहतरी भी हो सकती है, बदएतमादी की फजा खत्म करना होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदलिया के साथ खड़े हैं इमरान खान, कहते हैं पांचों जजों ने तारीखी फैसला दिया। खुशी है कि चीफ जस्टिस ने तमाम चीजों का नोटिस लिया। इदारे तगड़े हो तो वजीर आजम करप्शन कर ही नहीं सकता। चंद दिनों में नैब के खिलाफ रेफरेंस लेकर जाएंगे। न्यूज लीक्स की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वजारत दाखला को मिल गई। वजीर दाखला की जानिब से रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम को रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद आम करने का फैसला किया जाएगा। आठ घंटे गुजर गए, लाहौर के इलाके न्यू अनारकली में प्लासे के बेसमेंट में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ, इमदादी कामों में ताखीर पर ताजिरों का एहतजाज। Thousand test match runs for Yunis Khan. He sits alone on the throne of Pakistan batting royalty, 13th batsman in the world to achieve that landmark in test cricket. Pakistan ki aan baan shaan, Yunis Khan ne ek aur sange meel ubur kar liya. Test cricket mein 10,000 runs banane wale pehle Pakistani ban gaye. Yunis Khan ne 116 matches mein 34 centuriyan aur 33 nisf centuriyan banayi. माया नाज बल्लेबाज यूनस खान की तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। उनका कहना है कि ये कामयाबी उनकी ही नहीं पाकिस्तान की है, इसका क्रेडिट उनकी सारी फैमिली, दोस्तों और बॉब बुलमर को जाता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, शहरियार खान, नजम सेठी, शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक समेत दुनिया भर से यूनस खान को मुबारकबाद के पैगाम। शाहजेब कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत का सजाए मौत के कैदी शाहरुख जतोई की अपील के समाअत से इनकार। अदालत ने अपील के समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। शाहरुख जतोई की अपील पर पहले चार जज समाअत से इनकार कर चुके। एटीसी ने शाहरुख जतोई समेत चार मुलजिमान को सजा सुनाई थी। तमन्नाई बहरान, गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से कैसे छुटे जान। रमजान मुबारक से पहले क्या होंगे हंगामी इकदाम। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तमन्नाई से मुतालिक अहम इजलास आज हो रहा है। शॉर्टफॉल को कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने और तमन्नाई जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने पर गौर किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की 5 साल नाअहली की मुद्दत कल खत्म हो रही है। अदालत ने स्विस बैंक को खत न लिखने पर मुख्तसर सजा दी थी। फैसले के बाद यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ना पड़ा था। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रोजनामा 92 न्यूज ने रावलपिंडी में भी मकबूलियत हासिल कर ली। अंजुमन ताजरान रावलपिंडी की जानिब से रोजनामा 92 न्यूज के इजरा की खुशी में पुरवकार तकरीब का अहतमाम, केक भी काटा गया। शरका का रोजनामा 92 न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जमैका टेस्ट में वेस्ट इंडीज के 286 रन, जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए। बाबर आजम ने शानदार 72 रन बनाए। वेस्ट इंडीज का स्कोर बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 85 रन दरकार। Stay and stays. It's Ramos. It's the post. Steve ahead.
tries to find the gap. Rakitic! Oh, what a goal. Hits with home. Brilliant run. Oh, tremendous goal. Lionel Messi! Oh, my goodness. Lionel Messi does it again. He's superhuman. स्पेनिश फुटबॉल लीग के मुकाबले शानदार, एक से बढ़कर एक टीम जानदार। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से पिछाड़ दिया। मेसी ने 500 गोल दागने का एहसास भी अपने नाम कर लिया। शबे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध का शबे मेराज के मौके पर कल तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। और इटली के दर हुकूमत रोम के कयाम की 2717वीं सालगिरह के मौके पर रंगारंग परेड। सैकड़ों खवातीन और मर्दों की कदीम रोमी सिपाहियों, ग्लैडिएटर्स, पादरियों, अराकीन पार्लियामेंट जैसे मलबूसात पहनकर परफॉर्मेंस।